पाकिस्तान ने 4 साल बाद कराची में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में पहली बार लड़ाकू ड्रोन पेश किए गए हैं। इनका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा सकेगा। देश में अमरीकी ड्रोन के पहुंचने और आतंकियों को निशाना बनाने के बाद से पाकिस्तान ड्रोन को तैयार करने की कोशिशों में जुटा था। पाकिस्तान पहले ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी के लिए करता था, अब हमला करने के लिहाज से इसे तैयार किया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान के लोगों ने ड्रोन का नाम पहली बार तब सुना था जब अमरीकी ड्रोन विमानों ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में चरमपंथियों को निशाना बनाना शुरू किया था। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाकों में कई ड्रोन हमले किए और इनमें कई लोग मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन की दुनिया में पहला सर्विलांस ड्रोन बनाने की शुरुआत के साथ कदम रखा था। निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले ये ड्रोन इससे पहले हुई हथियारों की प्रदर्शनी में नजर आते थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने लड़ाकू ड्रोन बना लिया है। दरअसल आइडियाज 2022 के नाम से चल रही डिफेंस एक्सपो पर पाकिस्तानी सरकार की कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के CEO असद कमाल का कहना है कि हम उन चीजों को विकसित करना चाहते हैं जिसके लिए विदेश पर निर्भर हैं, इससे विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान ने अपने फ्लैगशिप ड्रोन SAR-2 को तैयार किया है। कंपनी के CEO का कहना है कि यह ऐसा ड्रोन है जिसकी जरूरत सेना को है। इसे पाकिस्तान की तीनों सेनाओं में शामिल किया जा चुका है। आपको बता दें, कंपनी का दावा है कि SAR-2 ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरने के साथ निशाना भी लगा सकता है। इसके अलावा यह सैटेलाइट से संपर्क करने में भी माहिर है। यह दिन हो या रात हो, दोनों ही समय मिसाइल से निशाना लगा सकता है। आपको बता दें, ये एक मानव रहित लड़ाकू एरियल व्हीकल है। इसे पिछले साल ही कंपनी ने बनाया है। इसे तत्काल सर्विस में भी लिया गया है। इसके अंदर 50 किलोग्राम और बाहर की तरफ 120 किलोग्राम का पेलोड लगाया जा चुका है। वही ये अधिकतम 222 किलोग्राम प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। SAR-2 ड्रोन की क्रूज स्पीड यानी सामान्य उड़ान के समय गति 158 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सर्विलांस के समय ये लगातार 14 घंटे और हमला करते समय ये लगातार 7 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। कंपनी के दावों के मुताबिक SAR-2 ड्रोन में एक बार टारगेट लॉक कर दिया जाता है तो ये खुद ब खुद रनवे से टेक ऑफ करके टारगेट को उड़ाकर वापस चला आता है। इसके अलावा ये किसी भी समय निगरानी कर सकता है, यानी दिन हो या रात हो, दोनों ही समय पर यह निगरानी और हमला करने में सक्षम है। तो ये SAR-2 ड्रोन 120 नॉट्स तक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी टेक ऑफ रफ्तार 80 नॉट्स से लेकर 85 नॉट्स तक है। इसकी क्रूज रफ्तार भी 80 से 85 नॉट्स तक होती है। इसका रेडियस लगभग 1050 किलोमीटर और डाटा लिंक रेंज 300 किलोमीटर है। ये लड़ाकू ड्रोन उड़ान के दौरान अपने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की क्षमता भी रखता है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज़ के साथ।